अध्याय 16 आंकड़ा प्रबंधन व विश्लेषण डाटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस। अपने जीवन में हम जाने अनजाने आंकड़ों का उपयोग करते हैं। इसमें हम अपने पुराने अनुभवों के आधार पर जानकारी को व्यवस्थित कर उससे निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे जुलाई के महीने में आकाश में बादल हों और हवा पूर्व से आ रही हो तो हम यह कहते हैं कि आज बारिश होगी। इसी तरह जो लोग यात्रा करते हैं वे जानते हैं कि कुछ गाड़ियां अक्सर समय पर आती हैं और कुछ अक्सर देर से आती हैं। हम दाल चावल गेहूं आदि खरीदते समय कुछ हिस्सा जांच कर यह तय कर लेते हैं कि इसे खरीदना उपयुक्त है या नहीं। हम क्रिकेट के खेल में देख सकते हैं कि किस दर से रन बने हैं और किस दर से आगे बनाने हैं आदि। हर रोज अखबार में अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान औसत आर्द्रता सूर्योदय सूर्यास्त आदि का समय देखते हैं। इन सभी आंकड़ों को देखना समझना व उससे निष्कर्ष निकाल पाना हमें बेहतर विश्लेषण करने में मदद करता है। हर व्यक्ति परिवार पंचायत प्रदेश की सरकार भारत की सरकार व इसी तरह हर ढांचा फैसला लेने व योजना बनाने के लिए आंकड़ों का उपयोग करता है। जितने बेहतर ढंग से हम आंकड़े ले सकेंगे उन्हें नियोजित कर सकेंगे और इनका विश्लेषण कर सकेंगे उतने ही अच्छे हमारे निर्णय होंगे व उनका क्रियान्वयन भी उतना ही बेहतर होगा। आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण डाटा कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए आपकी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और आपको निम्न आंकड़े एकत्रित करने को दिए जाएं, तो आप कैसे करेंगे? पहला, आपकी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के रक्त समूह की जानकारी और दूसरा, कक्षा में उन विद्यार्थियों की संख्या जो पैदल या अन्य साधनों से विद्यालय आते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों ने दो समूहों में यह कार्य शुरू किया। प्रत्येक समूह ने विद्यार्थियों के पास जाकर उनके रक्त समूह व साधन के बारे में पूछा। समूह एक और समूह दो ने ये सारणी बनाई। अब इन दो सारणी में बारंबारता को किस तरह से लिख सकते हैं आइए समझें। संख्या एक को एक खड़ी लाइन से व्यक्त करते हैं, संख्या दो को दो खड़ी लाइन से व्यक्त करते हैं और संख्या तीन को तीन खड़ी लाइन से व्यक्त करते हैं, संख्या चार को चार खड़ी लाइन से व्यक्त करते हैं, किंतु पांच को हम चार खड़ी लाइन और एक मिलान चिन्ह से व्यक्त करते हैं। इसे आप दोनों सारणी में देख सकते हैं। बारंबारता सारणी। समूह एक ने एकत्रित किए गए आंकड़ों को व्यवस्थित करने व ठीक तरह से समझने के लिए सारणी तीन की तरह लिखा। इस सारणी में गणना चिन्ह के साथ साथ संख्यात्मक मान भी दर्शाया गया है। जैसे बी पॉजिटिव के सामने लिखी संख्या 9 बताती है कि इस कक्षा में 9 ऐसे लोग हैं जिनका रक्त समूह बी पॉजिटिव है। ऐसे ही अन्य संख्याएं भी। ये संख्याएं अपने सामने लिखे रक्त समूह की बारंबारता बताती हैं। इस प्रकार बनी सारणी बारंबारता सारणी कहलाती है। समूह ने फिर इस सारणी को दंडालेख के रूप में भी दर्शाया।